बात जहां से मिले तो बंदे को लेनी चाहिए। गौतम बुद्धा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म के दो बहुत प्यारी बातें उन्होंने कही हैं, दो उसूल बताए खुश रहने के। पहला ये कि जब भी आपको गम मिलता है तो आपने परेशान नहीं होना, गम का एक टाइम होता है, मुकर्रर वक्त होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो गम को आप आंखों में आंखें डाल के देखें और उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करें और परेशान ना हो। जब आप खुशी मिलती है तो हम नहीं चाहते खुशी ख़त्म हो जाए, मगर आपने ये जहन बनाना है कि ये खुशी जो आई है, ये आर्जी आई है, कुछ अर्से के बाद ये खुशी भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये देखा गया है जैसे बंदे को खुशी मिलती है, मिसाल के तौर पर बंदा फाइनेंशियली साउंड हो जाता है, और जब उसको गरीबी आती है, हालात ख़राब होते हैं, तो उसके बाद वो जो है डिप्रेशन का शिकार बन जाता है, एनजाइटी का शिकार बन जाता है। तो दोनों हालात को फेस करने के लिए आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि दोनों ही हालात जो हैं ये वक्त के साथ गुजर जाएंगे और वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो गौतम बुद्ध ने नहीं कही मगर नईम बुखारी ने कही है, नईम बुखारी बहुत ही काबिल एक वकील हैं, मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि जब भी आपको कोई हालात हो, अच्छे या बुरे, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि आप मुस्कुराते रहते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं कि मामले को आप हल कर सकें और टैकल कर सकें। तीन अच्छी बातें थी, आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करें।